हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हम निकले हैं नाइट आउट पर टेस्ट करने कुछ वाराणसी की स्ट्रीट फूड, और मेरे साथ है दो महान हस्ती, सूरज भैया और सोएब भैया। ये लोग कुछ खिलाएंगे, टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे BHU कैंपस, वहाँ पे हम लोग खाएंगे वेज कबाब, उसके बाद फिर चिकन रोल का है, उसके बाद लास्ट में सोएब भैया खिलाएंगे हम लोग को फालूदा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने स्ट्रीट फूड पे, जहाँ पे हम पहला स्ट्रीट फूड टेस्ट करेंगे वेज कबाब। वो है सामने दुकान दिख रही है आपको, वहाँ ही हम जाएंगे। आज हम लोग ने इवनिंग में एक प्लान बनाया था घूमने का, और बनारस में जैसे बनारस कहा जाता है कि बनारस जो है बिल्कुल खाने पीने के मामले में बहुत शौकीन, यहाँ के लोग जो है बिल्कुल रसिया होते हैं। तो आज हमने कहा कि चलो, जो हम हमारे पूरे बनारस का सबसे पॉश एरिया है BHU साइड में हम लोग खड़े हैं, मेन गेट से तकरीबन 100 मीटर पहले हम लोग हैं, ये रविदास गेट से आगे बढ़ने पे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग पे अरियन कम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड की शॉप है पीछे हम लोग के दिख रहा है, यहाँ से हम लोग अपना पहला जो कोर्स है वो खाना शुरू करते हैं। दिखाते हैं आपको कि बाकी बनारस के लोग इस मामले में क्यों इतना लजीज खाना पसंद करते हैं, या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच के ले आते हैं। भाई, हम जा रहे हैं अभी ऑर्डर देने, देखते हैं क्या है टेस्ट। ये क्या है सर? टोकन है। गाइस, आपने देखा वहाँ पर जैसे टोकन मिला, टोकन दे दी उनको, और ये हमारा ऑर्डर दे दिया, बना रहे हैं अभी। ये टोकन कैसे बनाते हैं?
ये वेज कबाब आ गया है, इसको टेस्ट भी बताते हैं कैसा है। वैरायटी आप देखिए, चटनी भी है हमारे मन साइड में, ये मूली है, प्याज है और पराठा है और ये नींबू भी शॉर्ट है, ग्रेवी है वो, ग्रेवी ग्रेवी और अच्छा बना था, ज़बरदस्त टेस्ट देखने में लग रहा है। अब खा के इसको टेस्ट करते हैं, वाओ बिल्कुल घर ही बना, मतलब मज़ा आ जाएगा। सूरज सर आपके लिए ज़बरदस्त। मैं पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ, जेन्युइनली मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कभी इसको टेस्ट नहीं किया। देखिए एक ये भी मज़ा है खाने के, यम्मी टेबल पे बैठ करके खाना और रेस्टोरेंट में खाना, मतलब ये एक अलग स्ट्रीट फूड की निशानी, मतलब कितना कि ग्रुपिंग के साथ देखिए, ऑन लोग भी बैठे हुए हैं ग्रुप बना करके, काफ़ी लोग देखिए आपके टाइम में देखते हैं, ग्रुप बना के लोग बैठे हैं, तो ये एक ये अलग मेजोरिटी है बनारस के लिए, पहचान है वो, खाने पीने के लिए कहीं पर भी बैठना बैठ जाते हैं साइड में, जहाँ उनको कम्फर्टेबल लगे। अच्छा था वेज कबाब का, मैं तो पहले भी दो तीन बार खा चुका हूँ, सूरज भैया सोहेब भैया का फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम तो बट अच्छा लगा था, बहुत अच्छा जो है एमआरपी के हिसाब से बहुत अच्छा टेस्ट था, और लच्छा पराठा भी काफ़ी अच्छा, और सबसे ज़्यादा मज़ा ये आया कि साथ में बैठ के खाने का मज़ा आया, तो उसको अगर आपके दिल हो कभी फ्रेंडली सर्किल में खाने का, साथ में बैठ के हम ऊपर टेबल पर इस तरह से बिल्कुल यहाँ ही, और बिल्कुल यहाँ पर इतना अच्छा बिल्कुल सुकून सा लग रहा है, मतलब एक्चुअली यहाँ से कुछ ही दूर से बनारस का विश्वविद्यालय है, तो वहाँ के जितने भी छात्र और छात्राएँ हैं वो शाम के टाइम अगर घूमने निकलते हैं इस तरह से घूमने का मन होता है, तो वो आगे से स्टॉल पे बिल्कुल अपना जो है टाइम स्पेंड करते हैं, लच्छा पराठा कबाब वेज सबसे अच्छी बात है, वेज निकलते हैं, काफ़ी दुकान, हाँ काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह आपके कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अगर निकलते हैं यहाँ पर तो काफ़ी दुकानें आपको यहाँ मिलेगी एक साथ, यहाँ पर आइसक्रीम भी आपको मिल जाएगी, उसके आगे बढ़ेगी, मतलब आपकी चॉइस है, यहाँ पर अगर आप आ गए आने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब नेक्स्ट चलना है चिकन रोल खाने, देखते हैं कैसा है उसका टेस्ट।
गाइस हम आ गए अपने नेक्स्ट टेस्ट करने फूड जो कि स्ट्रीट फूड है चिकन रोल। तो एक पीछे दुकान दिख रही है आपको और ये अंडर बिरयानी फास्ट एंड फूड, यहाँ से हम चिकन रोल लेंगे, देखते हैं क्या है टेस्ट कैसा है। तो चलिए ऑर्डर देते हैं चिकन रोल। ऐसा भी मेन्यू देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन देंगे, चाइनीज़ नॉन वेज, चाइनीज़ में पनीर चिल्ली है, क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिली, वेज मंचूरियन और नॉन वेज में चिकन रोल, चिकन लेंगे, मतलब बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी इनके दुकान पर। अरे दिन टाइम कितना लगेगा? तो क्या क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर किया दो चिकन रोल आपके लिए, एक वेज। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका, टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी स्पाइसी और मुझे इसका प्रेफर भी नहीं, ऑयली ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ऑयली, वो हाथ में ऑयल लगे ऐसा भी नहीं। ऑसम मज़ा आ चिकन रोल, चिकन रोल भी सही है, चिकन सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, रोल के लिए सही है, ऐसा ही होना चाहिए। आपका रोल सही है, बिल्कुल मस्त है, एक नंबर। देखिए ये ऐसे है इनका कि जो है अपना भी खाएंगे दूसरे का भी, दूसरे का भी इनकी निगाह हमेशा दूसरे के हर रहते हैं। इसके आगे क्या आप अपने आप फील कर लीजिएगा क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको फाड़िए ऊपर से बोल कर छोड़ा है भाई, भाई क्या बोल रहा है उससे। सब देख रहे हैं आप इन लोग का आधा आधा खत्म हो गया है, सूरज सर का भी आधा खत्म हो गया है। सर एक और मिल सकता है, सूरज सर ने मेरा आधा खा लिया यार, अभी नेक्स्ट लिया फालूदा, अब जो मिलते हो मुझे इसको भी टेस्ट करना है, तो अभी जगह होनी चाहिए ना आपको। तो गाइस चिकन रोल खा के पेट खराब हो गया फुल, हालत खराब हो गई, लेकिन हम लोग वादा किए थे कि आपको फालूदा भी दिखाएंगे, फालूदा पीछे रहा, फालूदा वो रहा, मतलब ये हमारा चिकन रोल का दुकान, ये फालूदा का दुकान और ये हमारी पावड़ी हो रही थी, लेकिन सही है ना, टेस्ट एवन था, ठीक है टेस्ट एवन था। देखिए कितना अच्छा माहौल, एकदम जो है मज़ा आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा है, घूमना है कितना मजा है, बिल्कुल अगर घर से परमिशन हो तो एकदम सुबह 7 बजे उठना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टेस्ट था, आइए हम लोग फालूदा की तरफ चलते हैं। और जैसा हम लोग बोले थे कि हम फालूदा भी टेस्ट कराएंगे, टेस्ट करेंगे, इनका ठेला काफ़ी दिन देखे ये बंदा ठीक बोल, जय सही बोल रहा है, मैंने देखा हुआ है इसको। ये रहा हमारा फालूदा, सूरज भैया उठाइए, सूरज भैया उठाइए, टाइम ज़्यादा हो रहा है, अरे रिदिम जल्दी करो यार, बहुत टाइम हो रहा है, एक्चुअली घर भी जाने ना, सूरज के घर से कॉल आ रहा है, तो रिदिम थोड़ा जल्दी काम करो, सूरज
वाइफ ने बोला टेस्ट करिए कैसा है बताइए। आज लेट हो रहे हैं ना, काजू है, बादाम है, मतलब अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 50 रुपीज तो पूरा 50 रुपए का है। आइसक्रीम भी है, क्या क्या है इसमें सोयाबीन क्या क्या है? इसमें काजू है, कट चेरी भी दिख रहा है, चेरी है, नीचे आइसक्रीम भी है और रोजे का भी टेस्ट उसमें आ रहा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त कंप्लीट 50 रुपये में कंप्लीट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सारा चीज हो गया डन, हम आपको दिखा चुके हैं वेज कबाब, पेट भर गया पूरा एकदम, चिकन रोल और लास्ट में फालूदा। और और सही बोलो तो पेट पूरा भर गया, अब जाने का घर सोने का है बस। रिदिन भाई बहुत ज़बरदस्त आइडिया था ये आपका और मैं तो कहूँगा सबसे कि इस चीज़ को ट्राई कीजिए, आप लोग तीनों के टेस्ट को वन बाई वन करके देखिए और हमारी वीडियो को भी बताइए कैसी लगी और लोगों को सजेस्ट भी कीजिए। थैंक यू। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए, सबको पता है हम अपने वीडियो के सारे बिहाइंड द सीन वहीं डालते हैं, तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।